सो क्या तुम्हें भी चाहिए मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड, वो भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में? और मुझे पता है तुम लोग इसका इंतजार कई महीनों से कर रहे होगे, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आज तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें मिल सकता है मल्टीप्लेयर मोड इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको मल्टीप्लेयर मोड कैसे मिल सकता है गेम में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है और टाइम भी लगता है, तो प्लीज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, तो एक लाइक जरूर से कर देना। और अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलो चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है मल्टीप्लेयर मोड इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। सो पिछले महीने मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने प्रूफ के साथ बताया था कि हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड कब आने वाला है, लेकिन उस वीडियो में जो मैंने टाइम बताया था वो टाइम एक महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड का कोई भी अपडेट नहीं आया। हमारे गेम में काफी अलग अलग अपडेट आ रहे हैं, RGS टूल से रिलेटेड नए नए एरिया भी आ रहे हैं, जैसे पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन एरिया, ये भी नए नए ऐड हुए हैं। तो मल्टीप्लेयर मोड कब आएगा? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रोहित भाई के कम्युनिटी पोस्ट पर किसी पर्सन ने कमेंट किया था कि भाई मल्टीप्लेयर मोड कब ऐड होगा, तो उन्होंने अपने रियल आईडी से यस गाइस उन्होंने उस कमेंट को रिप्लाई दिया था कि इस मंथ के एंडिंग तक, ये सिर्फ उन्होंने लिखा था, यानी हम लोग गेस कर पा रहे थे कि फरवरी के एंडिंग तक मल्टीप्लेयर मोड का सबसे बड़ा अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल हो चुका है, लेकिन अभी तक मल्टीप्लेयर मोड नहीं आया। क्या कारण है कि मल्टीप्लेयर मोड हमारे गेम में नहीं आ पा रहा है? लेकिन इस पे वीडियो काफी बन रही है कि मल्टीप्लेयर मोड ऐड हो चुका है और आपको गलत गलत चीट कोड्स भी दिए जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है? मैं बता दूं गाइस कि देख सकते हैं हमारे गेम में काफी नए नए अपडेट आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लेयर मोड क्यों नहीं ऐड हो रहा है? वो इसलिए, मल्टीप्लेयर मोड कोई आसान चीज नहीं है, इसके लिए बहुत हार्ड काम लगता है, इसके लिए इतनी आसानी से हर गेम में ऐड नहीं हो पाता है, बहुत सारे सर्वर के इशू भी होते हैं, तो बहुत बड़ा अपडेट होगा अगर ये इस गेम में ऐड होगा। और रोहित भाई ने ऑफिशियल कोई न्यूज़ भी नहीं दिया है कि मल्टीप्लेयर मोड हमारे गेम में ऐड होगा या नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड आए तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर आप लोग साथ मिलकर आवाज़ उठाओगे तो मल्टीप्लेयर मोड बिल्कुल ऐड होगा। और ये कैसे होगा? आप सभी जितने भी बड़े बड़े इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि वो भी इसके बारे में जानें और रोहित भाई उन क्रिएटर्स की बात भी सुनते हैं। और दूसरी बात, आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसा इसलिए अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक दो वीक्स के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करूंगा जिसमें मैं पोल डालूंगा कि हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड ऐड होना चाहिए या नहीं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोल आप करेंगे उस कम्युनिटी पोस्ट पर वो उतना ज़्यादा रीच उसका बढ़ेगा, और अगर वो रोहित भाई के पास पहुँचा और अगर वो देखे कि मल्टीप्लेयर मोड की काफ़ी डिमांड है, तो वो पक्का ट्राई करेंगे कि हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐड हो। फिलहाल न्यूज़ तो ये है कि हमारे गेम में अभी तक मल्टीप्लेयर से कोई रिलेटेड न्यूज़ है ही नहीं, और जितने भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर कि मल्टीप्लेयर मोड आ चुका है, ये चीट कोड ले लो, ये सभी के सभी फेक होते हैं, तो इन सब चक्कर में ना पड़े। और अगर आप चाहते हो इस अपडेट के बारे में तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।